नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड 10 महाविद्या गुरु मृगेंद्र चौधरी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस खास एपिसोड के अंदर, जो कि है मार्च 2024 के अंदर मेष लगन का राशिफल क्या रहेगा। फ्रेंड्स, जब आपने इस एपिसोड को देखना है तो आपने इस एपिसोड को अपने लगन के हिसाब से देखना है, ना कि चंद्र राशि के हिसाब से। विद्वानों का मत है कि लगन जो है वो स्थिर होता है, जीवन पर्यंत आपका लगन एक ही रहता है, चंद्रमा और ग्रहों की तरह राशि परिवर्तन करते रहते हैं, इसलिए जो है गोचर की जो प्रेडिक्शन है वो लगन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में लगन के अंदर एक अंक लिखा है, यानी वन नंबर लिखा है, तो आपका लगन है मेष और ये एपिसोड आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। मेष लगन के अंदर अभी गुरु विराजमान है और जो मई तक वो बैठे रहेंगे, ठीक है। और आपका जो लग्नेश है मंगल, वो अभी मकर राशि में बैठा हुआ है और 15 मार्च को वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा। यानी दोनों तरह से जो मंगल की स्थिति है बहुत उत्तम बनी हुई है। इसके क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं, देखिए, स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। जो लोग खासकर स्पोर्ट्स के अंदर हैं, रेसलर हैं, जूडो में हैं, कराटे में हैं, ठीक है, हॉकी के प्लेयर हैं, ठीक है, इसमें शरीर की ताकत लगती है, वेट लिफ्टर हैं, उनके लिए अभी सुनहरा मौका बना हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को सरकार में कोई ना कोई पद या प्रतिष्ठा मिल सकती है, जैसे कई बार हमारे मेडलिस्ट होते हैं उनको नौकरी मिल जाती है, तो जिनकी फाइल अटकी हुई थी उनको नौकरी मिलने का चांस बना हुआ है। जो लोग स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा सरकारी नौकरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ये गोल्डन चांस उनके लिए बना हुआ है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, अगर आप जिम वगैरह जाते हैं इससे आपके स्वास्थ्य में और इजाफा रहेगा। तो पूरा मार्च महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके धन कुटुंब और वाणी की, यानी सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का आपका लॉर्ड हुआ शुक्र। शुक्र अभी जो है 12 फरवरी से जो है गोचर कर रहा है आपका 10वें घर में, यानी मकर राशि में। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, खासकर होटल का बिजनेस में जो है, या फिर जो रेडीज आइटम्स का बिजनेस करते हैं, लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, खासकर जो लोग राजनीति में हैं, या फिर जो लोग एक्टिंग के करियर में हैं, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स इसमें ज़्यादा शारीरिक बल की बजाय आपकी स्किल्स का जो है इस्तेमाल होता है, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन हो गया, या फिर और कोई स्पोर्ट्स जिसमें आप अपनी टेक्निक से आगे बढ़ते हैं, तो उसके अंदर सफलता मिलने के काफ़ी चांस आपके बने हुए हैं। अगर आप किसी ड्रामा या फिल्म का प्रपोजल आपके सामने आया हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन कमाने के नए नए अवसर आपके सामने आते रहेंगे। शुक्र जो है अभी 7 मार्च को जो है कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा और 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहने वाला है। तो लाभ के जो है आपको और मौके 7 मार्च के बाद और ज़्यादा मौके आपके सामने बनना शुरू हो जाएंगे, उनका भरपूर फायदा उठाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके जो है फोर्थ हाउस की, यानी मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी और माता का स्थान। देखिए, उसका स्वामी आपका चंद्रमा होता है और चंद्रमा जो है 2 से 3 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा उत्तम स्थिति में बैठा हुआ है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, इससे आपको मकान, वाहन, बंगला, गाड़ी इत्यादि खरीदने में और जो है सफलता मिलेगी। अगर आपका चंद्रमा उत्तम स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, जैसे नीच का है, राहु या शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इसका जप कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा के स्त्रोत्र का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। सुबह शाम करिए, भगवान शंकर को चावल और दूध अर्पित करिए, अपनी माँ को चांदी भेंट करिए, इससे आपका चंद्रमा उत्तम हो जाएगा। और आपको अगर मकान, वाहन इत्यादि लेने में जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो आपकी वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी काफ़ी हद तक। अब बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस की, यानी लव, रोमांस और इंटेलिजेंस का हाउस, हाउस ऑफ स्टडीज। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन में अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 13 मार्च तक जो है समय अच्छा है, क्योंकि 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य जो है आपके 11वें स्थान पर, यानी लाभ स्थान पर गोचर कर रहे हैं। उसके बाद सूर्य जो है मीन राशि में चले जाएंगे और वो इसकी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। अगर आपका एग्ज़ाम हो सके 13 फरवरी से पहले पहले है तो उसको दे दीजिए, बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अपने लवर को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भा गया है और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि वो भी आपको पसंद करता है, तो 13 मार्च से पहले पहले आप उसको प्रपोज कर दीजिए, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ है आपके प्रपोजल का, आपको अच्छा रिजल्ट मिलने के काफ़ी अच्छे चांस बने रहेंगे।
और 13 मार्च के बाद जब सूर्य जो है मीन राशि में गोचर कर जाएगा, तब आपको रिफ्यूजल के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर आपको मेष राशि में सूर्य गोचर तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि सूर्य जो है 13 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेगा। ठीक है, तो वो समय आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, वो भी 13 तारीख से पहले पहले बेबी कंसीव कर सकते हैं, अगर उनके मतलब उनको पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, दूसरा, 13 तारीख के बाद समस्याएं आ सकती हैं बेबी कंसीव होने में। अगर आपको बेबी होने वाला है तो सर्जरी के ज़्यादा चांसेस बनेंगे 13 तारीख के बाद। 13 तारीख से पहले नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 7th हाउस यानी हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप एंड बिजनेस का। 7th का लॉर्ड आपका हुआ है शुक्र। शुक्र 10वें में बैठा हुआ है। बिजनेस से खूब पैसा आप कमा सकते हैं, बिजनेस से आपका स्टेटस बनेगा, नेम फेम मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया अभी कि शुक्र जो है 7 मार्च को कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा और 31 मार्च तक ये कुंभ राशि में बना रहेगा और 31 मार्च को जो है मीन राशि में गोचर करेगा। तो अगर आप अपने शादी के लिए जाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले समय बहुत बढ़िया है आपका। मार्च के महीने में आप शादी कर सकते हैं, आपकी शादी जो है आपके लिए पूरा जीवन जो है सुखदायी रहेगी, बशर्ते आपकी जन्मपत्री में शुक्र नीच का ना हो। ठीक है, तो आप शादी के लिए जा सकते हैं, बहुत बढ़िया समय है आपका शादी के लिए। अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, खास करके जो लोग कपड़े का, होटल का काम करते हैं, लेडीज आइटम्स का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, आयरन एंड स्टील का काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो भी आप 31 तारीख से पहले पहले जा सकते हैं। जैसे ही शुक्र जो है आपका मीन राशि में गोचर करेगा तब पार्टनरशिप में जो है आपको नुकसान के योग बनेंगे। हाँ, मीन राशि में गोचर करने के बाद यानी 31 तारीख के बाद आपको फौरन से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। आप अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं फिर आपको बहुत लाभ होगा। केवल यही एक ऐसा केस है जहाँ पर शुक्र जो है 12वें स्थान पर लाभ देता है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की यानी जॉब जो है स्टेटस, ठीक है, एंड फेम। 10th हाउस का आपका जो लॉर्ड है शनि वो बना हुआ है 11th हाउस में, आपके कुंभ राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी लग्नेश मंगल भी जो है आपका 10th में बैठा हुआ है और मंगल जो है 15 मार्च को जो है कुंभ राशि में गोचर करेगा। ठीक है, तो अभी बहुत बढ़िया समय आपका जो है बना हुआ है, तो जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो उसका भी आप प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, 31 अप्रैल तक बहुत बढ़िया योग बना हुआ है, जब तक मंगल जो है गोचर करेगा आपका मीन राशि में, बहुत बढ़िया जो है योग बना हुआ है। आपका रुतबा बहुत अच्छा बना रहेगा, आप बहुत मेहनती होंगे, आपका स्टेटस जो है बना रहेगा, आप पूरे जोश और पूरे कॉन्फिडेंस से जो है अपने कार्यस्थल पर काम करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा मोटा मोटा एनालिसिस जो है मेष लग्न के लिए मार्च 2024 के लिए। अगर आप अपनी जन्मपत्री का डीप एनालिसिस करवाना चाहते हैं और जीवन में किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आप दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 100% मनी बैक गारंटी के साथ आपको सोल्यूशन दिया जाता है, यानी अगर तय समय के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपके पूरे के पूरे पैसे जो है वापस कर दिए जाते हैं। इसके साथ मैं एस्ट्रोलॉजर मृगेंद्र चौधरी आप सभी से इजाजत लेता हूँ। गुड लक, हैव अ नाइस डे।